मैम का आईडी प्रूफ कहाँ है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। भोसले इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कर्मचारियों और शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला किया जा रहा है। तनख्वाह का खर्चा बचाने के लिए कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा रहा और प्रबंधन कोटा में भी बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। कुछ छात्रों को पैसे लेकर एडमिशन दिया जा रहा है, जबकि उनका कोई भी रिश्तेदार इस इंस्टीट्यूट के प्रबंधन समिति में नहीं है। और कुछ छात्रों के मार्क्स रिकॉर्ड्स में बढ़ा के लिखे गए हैं ताकि किसी को शक ना हो। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के इन घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए डॉक्टर ईशा भोसले। मतलब मैम को भोसले इंस्टीट्यूट के स्कैम के बारे में पता चल गया था, तभी वो भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करना चाहती थी। इन्होंने पक्का अपनी बात सबके सामने रखी होगी, इनसे सवाल भी किए गए होंगे, इनकी कहा सुनी भी हुई होगी, स्पेशली ईशान सर के साथ। मुझे तो यही लगता है कि ईशा मैम यहाँ उनके कॉलेज का नाम खराब करने आई थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलेज की इमेज की चिंता है। क्या ईशा मैम पर हमला होने की ये वजह हो सकती है कि ये रिपोर्ट्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट तक ना पहुंचे? नहीं मैम, जिस किसी ने भी आपकी ये हालत की है ना, छोड़ूंगी तो नहीं उसे मैं।